प्रियाम्बल क्या है अंग्रेजी में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है लफ्ज ब लफ्ज, यही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू ए सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तीन लफ्जों पर कॉन्स्टिट्यूशन पहले हुआ था 1976 में, उस पर अमेंडमेंट लाकर तीन और लफ्ज, तीन और सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, वो ऐड किया तीन लफ्ज। सो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू ए सॉवरिन सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 टू हियर बाय अडॉप्ट एंड एनैक्ट एंड गिव अवर सेल्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यही आहदनामा हम प्रोग्राम की शुरुआत में वही पढ़े। इसका मतलब क्या है? ये पूरा जो प्रियाम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा निचोड़ इस प्रियाम्बल में मिल जाता है। क्या है इसमें हुकूक? क्या हुकूक है? इंडिया एक सॉवरिन स्टेट है। सॉवरिन बोलने से किसी के मातहत नहीं है, खुद मुख्तियार है। इधर की आवाम खुद मुख्तियार है कि अपनी नुमाइंदगी से सरकार चुने और उनका आईन और उनका कानून जो है वो खुद बना सके अपने नुमाइंदों के जरिए से। और दूसरा है सोशलिस्टिक। ये लफ्ज़ सोशलिस्टिक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 1976 में अमेंडमेंट लाने के बाद सोशलिस्टिक को इनकॉर्पोरेट किया। सोशलिस्टिक माने समाजवाद। पहले इनइक्वालिटी बहुत सारी थी, चाहे वो माशरे में हो, इकोनॉमिक्स में हो, पॉलिटिकल में हो, सब इसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे। इसीलिए ये सोशलिस्टिक पैटर्न ले लेता है हमारे सोसाइटी में। सोशलिस्टिक पैटर्न में भी दो नमूने के, दो किस्म के सोशलिज्म है। एक तो कार्ल मार्क्स का जो रशिया फॉलो करता और चाइना फॉलो करता, दूसरा है गांधी का सोशलिस्टिक पैटर्न। हमारा आईन में ये सोशलिस्टिक पैटर्न आके गांधी सोशल पैटर्न सोशलिस्टिक पैटर्न इस्तेमाल करके अमल करके है। सो इससे क्या होता, जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा है, उसे आगे लाने के लिए गवर्नमेंट, उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे अपॉर्चुनिटीज देना है। सो इस वजह से 1976 में इसे अमेंडमेंट लेके आके इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके बाद आया सेक्युलर। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं था सेक्युलर। सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तीन लफ्ज में ही था। सेक्युलर ले लेगा। सेक्युलर लाने का मतलब क्या था कि हर कौम, हर मजहब हिंदुस्तान का समान है। कोई अपर कैस्ट नहीं, कोई लोअर कैस्ट नहीं, कोई बैकवर्ड नहीं, कोई फॉरवर्ड नहीं है। इस वजह से ये पहले हर कौम में एक फॉरवर्ड कैस्ट रहता था, एक बैकवर्ड कैस्ट रहता था। उस इम्बैलेंस को निकालने के लिए, इनइक्वालिटी को निकालने के लिए ये लफ्ज 76 में इनकॉर्पोरेट किया गया। और उसके बाद डेमोक्रेटिक जमहूरियत, हर आदमी, हर सरकार जो भी बनती है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बनती है। जो हिंदुस्तान की आवाम है
वो अपने नुमाइंदे के चुनकर सरकार बनाते हैं। सो ये डेमोक्रेसी है, हर नुमाइंदे, हर सिटीजन का एक ही राइट्स, एक ही वोट, एक ही वैल्यू उसका। अपर कैस्ट वाले डाले तो भी एक ही वोट, सौकर डाले तो एक ही वोट, गरीब डाले तो वही वोट, काउंट इक्वालिटी ऑफ वोट्स। सो ये डेमोक्रेसी है। सो बड़े आदमी का बड़ा वोट, छोटा आदमी का छोटा वोट, डबल वोट नहीं, वैसा नहीं है। हर इंसान का, हर सिटीजन का अबव 18 ईयर्स का एक ही वोट काउंट होता है। सो उसके बाद रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट का अडॉप्ट करने के बाद हम रिपब्लिक हो गए। सो उसके बाद इससे क्या कर रहे हैं हम, ये पूरा जमावड़ा करके हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं? हासिल इंसाफ। इंसाफ किस वजह से, किस आश्रय में? सामाजिक इंसाफ। सामाजिक इंसाफ माने गरीब और अमीर के बीच में दूरियां ना रहे, उनके दरमियान की दूरियां मिटाने के लिए। और जो मजहबी दूरियां हैं, ऊंच नीच, आज पिछड़ा, अगाड़ा, वो दूरियां मिटाने के लिए इंसाफ से निकाल के ये करना, ना इंसाफी निकालना है इससे। और उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस माने हर बंदा जो इस इंडिया में रहता, उसके कुछ राइट्स है, राइट टू वोट है, उसे वो कोई छीन नहीं सकता। राइट टू इलेक्शन के लिए खड़ा होने के लिए राइट्स है, उसे कोई निकाल नहीं सकता। एक छोटे से छोटा बंदा भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वास्ते, इलेक्शन के वास्ते नॉमिनेट का, यह इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल कर सकता, उसे कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरा उसके बाद लिबर्टी। लिबर्टी माने आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी? बोलने की आज़ादी जो हम में है। बहुत से ऐसे मुल्क है जहाँ पर बोलने पर भी रोक टोक है, जैसे कि कम्युनिज्म में, चाइना में गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, क्यूबा में फेडरल कम्युनिज्म गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। हिंदुस्तान में हम गवर्नमेंट अगर गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं बोल के बोल सकते, उधर नहीं बोल सकते। ये ही लिबर्टी हमारे को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। और इसके साथ साथ इससे थोड़े हमारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जो आईन के खिलाफ जाते हैं वो बात हम नहीं कर सकते। हमारे को लिबर्टी को कुछ भी बोल सकते हैं, बोल के हम आईन के खिलाफ नहीं बोल सकते। थोड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमारे राइट्स भी देखे हैं। सो और उसके बाद नेक्स्ट इक्वालिटी, बराबरी। सो आईन आने से पहले हर तबके में, हर कौम में इनइक्वालिटी थी। पिछड़ा, अगड़ा, आगे फॉरवर्ड, थोड़े लोगों में, हिंदुओं में ज़्यादातर टेंपल्स में जाने का रिस्ट्रिक्शंस था, थोड़े पिछड़े वर्गों को उधर जाने का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, ये था उधर। वो पूरा निकालने के लिए ये इक्वालिटी, हर समाज में हर सिटीजन को उसका रिलीजन के मुताबिक वो रह सकता और वो कर सकता कर बोल के इक्वालिटी देकर। फेटर्निटी। फेटर्निटी बोले तो भाईचारगी। हर बंदा, हर सिटीजन दूसरे बंदे का फेटर्निटी भाई है, यानी फेटर्नल ब्रदर्स। हिंदुस्तान में रहने वाले हर सिटीजन्स भाईचारगी से रहना है कर बोल के हमारा आईन हमको सिखाता है। और ये हमारा मजहब भी है और इसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया गया है। जो जितने भी हमारे दीन में जो अच्छे बातें थे, वो पूरे बातें इसमें हमारे आईन दस्तूरे हिंद में भी लेके हैं। दस्तूरे हिंद बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तकरीबन 15 या 16 मेंबर्स थे, जिसके चेयरमैन अंबेडकर थे। उन लोगों ने 26 दिन लेके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। जबकि यही कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का 8000 वर्ड्स का है, लफ्जों 8000 लफ्ज का है बस, हमारा 450 आर्टिकल से ज़्यादा है।
उनका कॉन्स्टिट्यूशन बस 8 आर्टिकल्स में खत्म हो जाता है। क्या है उनका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्यों है? उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हुकूक नहीं देके हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुकूक्स देके हैं, जिम्मेदारी क्या है वो देके हैं। ये पूरा तफसील से लिखने की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इस वजह से इतना सारा वक्त लगा, इतना सारा बड़ा हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सरकार है कैसा चलाना है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, कोर्ट्स की जिम्मेदारी क्या है, हुकूक आवाम की हुकूक क्या है, इसके बारे में सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। इसलिए इतना बड़ा हो गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो प्रियम्बल है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, माने बुनियाद है। इसे कोई सरकार हिला नहीं सकती। अगर कोई कानून बना इसके बरखिलाफ तो उसे रद्द करने का हक सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट्स को है, और अल्टीमेटली सिटीजन्स को भी है। सिटीजन्स भी उसे रिवोल्ट करके कुछ हुकूक्स के साथ कोर्ट को अप्रोच होके, सो मोटो नहीं लिया तो भी, अगर सो मोटो कोर्ट ले लिया ठीक है, नहीं कर बोले तो एज अ सिटीजन्स वी कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वही ये तंजीम भी कर रही है। अगर कोई कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ कोई कानून आ रहा है तो इसके खिलाफ पिटिशन डाल के कोर्ट में कर सकते हैं। अब हाल ही में NCR का इशू आके ये तंजीम भी आगे बढ़ के ये करे थे, रिट पिटिशन डालने के लिए कुछ ये करे थे, वैसे ही चल रहा है। ऐसे हुकूक्स पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा है, और अल्लाह करे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बरकरार रहे और हमको भी ऐसे जानकारी मिले।